हरबदे हर मित्रों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों को माँ नर्मदा जी और एक प्राकृतिक, जी हाँ, माँ नर्मदा और प्राकृतिक का सौंदर्य का जो मिलन हुआ है, उनके मैं आज आप लोगों को एक नर्मदेश्वर शिवलिंग में दर्शन करवा रहा हूँ। देख लीजिए कि किस प्रकार से माँ नर्मदा जी के जल में प्राकृतिक ने किस प्रकार से इन शिवलिंग के ऊपर अपनी कला उभारी है। मित्रों, इस प्रकार की आकृतियाँ देखकर तो कभी कभार हम भी हैरान हो जाते हैं कि इस पत्थरों पर किस प्रकार से माँ ने आकृतियाँ उभारी है। जी हाँ मित्रों, इसमें आप एक एंगल से देखोगे तो आपको एक हल्का सा ओम भी दिखाई देता है। देख लीजिए, ऐसा और ऐसा और यह इस प्रकार से। जी हाँ मित्रों, ऐसी शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल जिनको बोलते हैं और जिन पर आकृतियाँ विराजमान होती है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत होते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मित्रों, आप लोगों को शिव जी का जो श्रृंगार का सामान होता है, जैसे नाग देवता हुए, त्रिशूल हुए, नंदी जी हुए, यह भी सभी चीज़ें आप लोगों को एक ही स्थान से प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं बाज़ार में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, आपको हमारे पे भरोसा रखना होगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो कार्य है, यह एक आस्था का कार्य है। भगवान का कार्य जितने भी होते सभी आस्था के ऊपर चलते हैं। अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है तो आपका हर एक कार्य सिद्ध होगा। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है शिवलिंग से संबंधित, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसका निराकरण ज़रूर करेंगे। जी हाँ मित्रों, आप मेरे से लो या मेरे गांव के किसी भी बंदे से लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसी के साथ सभी मित्रों को हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय साथियों।